गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम आपको अपने देश भारत के बारे में बताएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले काफी कुछ बता चुकी हूँ आप लोगों को इस बारे में, लेकिन आज फिर हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? हमारी कंट्री का क्या नाम है? इंडिया है, और हिंदी में हम इसको भारत कहते हैं, कहते हैं ना बच्चों? ये नाम बहुत भारतवर्ष के बहुत से नाम हैं, मेनी नेम्स हैं, काफी समय से चले आ रहे हैं। देखो, पहले हम इसको आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त माने जहाँ आर्य लोग रहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्योंकि यहाँ सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी अभी भी बहती है, लेकिन क्योंकि अब देश का बंटवारा हो गया है तो वो पाकिस्तान की तरफ चली गई है, काफी हिस्सा उसका। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को, लोगों ने जो विदेश से आए उन्होंने सिंधु सिंधु कहना शुरू किया नदी के नाम से, लेकिन वहां पर साफो हा बोला जाता है, जैसे अपने आगे तो बोलते हैं ना हलो सा, चलो हलो सा, तो चलो को चा को हा बोल देते हैं, बड़ी कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। तो वो ना सिंधु को हिंदू बोलने लगे, और तब से जो यहाँ रहने वाले लोग थे उनका नाम हिंदू पड़ गया, ठीक है? और आपको बताऊं, पहले एक राजा थे, बहुत पहले की बात है, जिनका नाम दुष्यंत था। उनका जो पुत्र था उसका नाम भरत था। वो बहुत वीर था, वो शेर के मुंह को खोल के उसके दांत गिनता था। जब वो राजा बना यहाँ का, तो उसके नाम से इसका नाम भारत पड़ा। ये कहानी है कि हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा, तभी से पड़ा हुआ है। अब क्या है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। देखो बच्चों, पहले की अगर हम बात करें, जब हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ था, तो जो हमारा भारत था ना, पुराने सभी नक्शे में देखिएगा, ये जो पाकिस्तान है बटा है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बर्मा है, ये श्याम, ये सब जो कंट्रीज है ना हमारे आस पड़ोस की, ये सारी भारत के अंदर ही थी। हर्षवर्धन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने भारत की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया था, और फिर धीरे धीरे हम आपस में लड़ते रहते, विदेशी लोग हमले करते रहे, हम आपस में लड़ते रहे, हमारे अंदर घमंड था, उसके ऊपर हमला हो रहा है तो हम क्यों मदद करें। धीरे धीरे दूसरे देश के दूसरे हिस्से भी चले गए विदेशियों के पास में, और आज हमारा भारत इतना टूट गया कि आज राम मंदिर बनवाने के लिए भी मुकदमे होते हैं और मुकदमों को जीतना पड़ता है। तब कहीं अयोध्या में 600 साल के बाद राम मंदिर बनता है। तो आप देखिए, हमारी जो कंट्री जिसको हम इंडिया कहते हैं, पहले इसका एरिया बहुत बड़ा लेकिन अब छोटा। अब क्या है बेटा, ये कहलाता है जो इंडिया है ना, ये कहलाता है सब कॉन्टिनेंट, सब SUV सब। पानी पानी, पहले तो पूरे विश्व में पानी था, बाद में धीरे धीरे पानी सूखा और बीच में जमीन निकल के आई, तो जिस जमीन के चारों तरफ तीन तरफ पानी रहता है या चारों तरफ पानी रहता है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है? 7 कॉन्टिनेंट अगर इसमें आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, चारों तरफ पानी पानी समुद्र के बीच में, और उस कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा उसके भी कई हिस्से होते हैं, ठीक है? उस हिस्सों में जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसके तीन तरफ पानी भरा होता है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट है। आप नक्शा देखिएगा, आपको हम बनवाएंगे, बनाना भी पड़ेगा। भारत में एक तरफ अरब सागर है पूरा,
बंगाल की खाड़ी है और उधर हिमालय पर्वत का उत्तर हिस्सा हर तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब देखो बेटा, ये जो इंडिया है किसी इसका पेनिनसुला, एक शब्द इन्होंने और दिया है पेनिनसुला, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी अभी आप नर्वस हो जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट बताया, सब कॉन्टिनेंट बताया, अब देखो हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के अंदर जो स्टेट है ना, छोटे छोटे राज्य हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, कश्मीर को छोड़कर पहले हम करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुण इतना अच्छा नाम है ना, अपने व्यक्ति का नाम अरुण नहीं है, अरुण हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश बेटा, ये वो जगह है बहुत सुंदर है अरुणाचल प्रदेश, आपको बता दूं मैं। और जो सूरज है ना, वो वहीं से सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश पर ही पड़ती हैं और वहाँ की रंगीली हमको दिखाई देती है। ये बॉर्डर का एरिया है अरुणाचल प्रदेश जो है, ये बॉर्डर का एरिया है और यहाँ से जो चाइना है वो पास में है, इसीलिए चाइना जो है ना वो बीच में कहने लगा था अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, उसकी आदत है हर दूसरे देश की चीज छीन के लेना, तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना कहने लगा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इसके तीन जो हमारे सबसे ऊपर क्या उत्तर में हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत के तीन हिस्से हैं, एक सबसे ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का। जैसे हमारा घर होता है ऊपर बीच में और नीचे, तो ये जो है ना बेटा सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर हर समय बर्फ जमी रहती है, जो सियाचिन कहलाता है, जहाँ हमारे सैनिक तैनात हैं, अभी आपने गलवान घाटी वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पर कारगिल की लड़ाई जहाँ हुई थी हुआ था, तो सबसे ऊपर का इलाका जहाँ हर समय बर्फ रहती है और वहाँ बहुत कम हैबिटेशन, क्योंकि कहाँ लोग रहेंगे, बर्फ जमी हुई है और बच्चों वहाँ ग्लेशियर है बड़े बड़े, मतलब बर्फ की शिलाएं हैं, और गंगा यमुना ये जो नदियां है ना यहीं से निकली हैं, जो ऊपर से हिमालय पर्वत से ये नदियां निकलती हैं, तो ये हर समय जो इंडियन कल्चर है यहाँ पर हर समय सिंचाई करती है और यहाँ के जीवन को विविधता देती है। अगर ये इतना ऊंचा ना होता और यहाँ से नदियां ना निकलती तो हमको पीने का भी पानी नहीं मिलता, गंगा यमुना इधर मानसरोवर से भी निकलती है, वो भी सबसे ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ता है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट है जहाँ बद्रीनाथ है और ये ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, जो सेकंड पार्ट है ना हिमाचल प्रदेश का आता है, यहाँ पर लोग रहते हैं और अच्छी यहाँ पर खेती भी होती है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के स्थान बहुत दर्शनीय है, टूरिस्ट बहुत जाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है सबसे नीचे हिमालय माउंटेन का, जहाँ पर आपको हरिद्वार ऋषिकेश ये सारी जो सिटी हैं ये यहाँ पर स्टेब्लिश है, और जो नदी है वो ऊपर से गिरकर ऋषिकेश से गिरकर फिर यहाँ पहली बार हरिद्वार है आती, तो इस तरह हिमालय के तीन पार्ट थे, ठीक है। और आपको बता दूँ जो इंडिया है ना ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा जो है ना यहाँ की जनसंख्या है भारत की, चाइना के बाद जो सेकंड जनसंख्या है वो भारत की है। अब बेटा यहाँ से देखो एक ऐसी लाइन गुजरती है इमेजिनरी, जो वास्तव में नहीं है लेकिन इमेजिन किया गया है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकॉन कैंसर, क्या बोलते हैं हिंदी में, ये हमारे गुजरात से निकलती है, राजस्थान से भी निकलती है, ठीक है। और बच्चों जो कर्क रेखा है ये पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट देती है, टू पार्ट में बांट देती है, क्योंकि यहाँ पर
जो डिस्टेंस है ईस्टर्न वेस्टर्न, आप नक्शा देखिए ना भारत का, कहाँ छोटा है ऊपर से, बीच में चौड़ा है, ऊपर थोड़ा है, दक्षिण में आकर के बिल्कुल ही पतला हो जाता है, ठीक है। और आपको बेटा ये चित्र बनाना है, मैंने शायद आपसे पहले भी कहा था, मुझे नहीं याद है, लेकिन आपको ये बनाना है। मैप लाए आप इंडिया का, फिजिकल मैप, और उसमें ये आप भरें, ये तो है ये फिजिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, और ये आपका फिजिकल एक्सप्रेशन। तो आपको फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप लाने हैं और उनको आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जो यहाँ का आपके देश की कौन सी पड़ोस के देश है, जैसे चाइना है, नेपाल है, सारे ऐसे देश हैं जो हमसे लड़ाई करते हैं, हम झगड़ा करते रहते हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो सही है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब पहले भारत में ही थे, उनको क्या बताएंगे, अलग हो गए और अब ये हमारे लिए सिर दर्द करने लगे हैं, ठीक है। मालदीव है जो कि यहाँ से दूर है। अब देखो इसको हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, इंडिया कितने पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं फिजिकल डिवीजन, कितने पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले तो हिमालय पर्वत है, सबसे है ना, उसके बारे में हमने आपको बताया कि कुछ हिमालय पर्वत है वो तीन पार्ट में बताते हैं। देखो बता कैसे हमारी बॉडी है, ऐसे देखिए बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, समझ लो ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। उसके बाद सर से यहाँ नीचे आते हैं ना तो प्लेन हो जाता है ना, पेट है ना, हम खाना खाते हैं, खाती है, तो समझ लो दूसरे जो है इंडियन प्लेन, हिमालय इंडियन प्लेन। और फिर आता है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेटू नीचे, उसके बाद कोस्टल प्लेन और आइलैंड, आइलैंड छोटे छोटे थे जैसे हमारे पैरों की उंगलियां समुद्र के बीच में छोटे छोटे ये आइलैंड होते हैं। तो अब हिमालय माउंटेन की हमने आपसे अभी बात की थी कि ये जो है ये भारत के उत्तर में है, उत्तर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक चला गया है, एक आधा चंद्रमा का शेप बनाता है, अर्धचंद्र का शेप बनाता है और फिर आगे चला जाता है। उसके बाद में क्या है बेटा, पैरेलल रेंज है, मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर जिसको हम हिमालय भी कहते हैं, फिर बीच का है वहाँ पर ना जैसे माउंट एवरेस्ट ऊँची चोटी है ये सब है, और उसके बाद नीचे आते हैं तो केटू वाली आती है, और नीचे आते हैं तो गुरु शिखर या आबू वाला ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो ग्लेशियर हैं बर्फ के बड़े बड़े चट्टानें वो भी वहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद आती है घाटी हिमालय पर्वत के बाद वैली आती है, तो नदियों के बीच का जो रास्ता होता है ना, जैसे कि बीच में पहाड़ आ गया तो एक नदी की धारा इधर से बहने लगी तो इधर आएगा तो इसको घाटी कहते हैं, ठीक है। पहाड़ के बीच का रास्ता होता है या मिडिल इंडिया के हिमालय के बीच के भाग में खूब रहता है। अब प्लेन आते हैं बेटा, प्लेन में नदियाँ गिरती हैं, गंगा है, यमुना है, अपनी झेलम है, आगरा है, ये सारी नदियाँ बहती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेन है यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, एलुवियल सॉइल हो जाती है, जहाँ पर खूब खेती होती है, हर तरह के फ्रूट्स होते हैं और यहाँ पर कई सुविधाएं भी होती हैं। अब जैसे कि मिट्टी की उपजाऊ होती है कि गेहूँ चावल सारी फसलें होती हैं रबी खरीफ और जायद की, और इसकी वजह से ही जो प्लेन होते हैं ये बहुत माने जाते हैं कि बहुत ही अच्छे प्लेन हैं। फिर होता है पेनिनसुलर प्लेटू, ये पहले हम आपको ऐसे बताएंगे फिर आगे मिल पाएंगे। जो प्लेटू होते हैं बेटा जो पहाड़ है ना तो वो घिस जाती है, चट्टाने घिस जाती है तो घिस घिस के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और वो क्या होते प्लेन बनाते हैं बेटा, प्लेन बनाती है, लेकिन पत्थर जैसे हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ते हैं ना, तो उसको प्लेटू कहते हैं।
जो प्लेटो होते हैं इनमें पत्थर पत्थर होते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पूरा एरिया, कर्नाटका है, ये सब प्लेटो में आता है, ठीक है। और तीन तरह के प्लेटो होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि कौन से होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया होता है, तो इस तरह जो है ये, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन आते हैं, मतलब समुद्र के किनारे, जैसे कि अपना मेलाडोन है, चेन्नई विश्वभवन कहते हैं, गोवा है, ये सब ज्यादा आपने कोस्टल प्लेन है। महाराष्ट्र भी आया था, उसका काफी एरिया क्योंकि समुद्र के किनारे है, उड़ीसा है, जहाँ जहाँ आपने देखा होगा तूफान आते हैं और ये सब आते हैं ना, तो वो एरिया जो है वो कोस्टल प्लेन का एरिया कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पहले पढ़ा चुके हैं, आपको मुझे याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन आंसर कराते कराते मैं आपको इसके बारे में और बताती चलूँगी। एक बार आप पहले मैप लेके आइएगा, इंडिया का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, और आपकी बुक में जो मैप भरा है ना उसको कलर करके अच्छी तरह आप उसमें चलिएगा। उससे क्या होता है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा, याद हो जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे और उनके आंसर्स बताते जाएंगे, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए कि हम और पढ़ लें, क्योंकि आप जो है मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप तो पढ़ने थोड़ा कम अच्छा लगता है, अभी आप फिर से क्लास में आए हैं ना, तो अभी आपको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बेटा इस लेसन का जरूर आप, इसीलिए मैं कम बात देता हूँ आपको कि जरूर आप मैप बनाइए, और जब आप मैप बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप मैप बना के रखना देना, तब मैं लिखाऊंगी आपको और डिटेल में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कर देंगे, और फिर कल आपको बताएंगे, ओके, ऑल द बेस्ट।